हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल डिलीशियस फूड बाय सुचित्रा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ एक टेस्टी चिकन आइटम, चिकन सीख कबाब का कड़ी रेसिपी। आप लोग इसका लुक देख ही रहे हो, कितना अच्छा लुक है इसका, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये मैंने घर में बना हुआ सीख कबाब से ही बनाई हूँ, तो इसका फुल रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और न्यू फ्रेंड मेरे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो दी आपके लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये मेरा घर का बना हुआ सीख कबाब है जो मैंने घर में बनाई थी, और इसको मैंने ऐसे कट करके फ्राई करके रख दिया हूँ। अभी मैं कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के बाद तेजपत्ता, जीरा और गरम मसाला का तड़का लगा के मैंने यहाँ पे प्याज को फ्राई कर लिया। गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करना है, और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन कोट के रखा है और टमाटर भी एक कट के रखा है। तो अदरक लहसुन कुटा हुआ या पेस्ट हो तो पेस्ट भी आप लोग दे सकते हो, और टमाटर को मैंने डाल दिया और एक हरी मिर्च। इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे बहुत ही कम ऑयल में इसको बना रही हूँ, तो ढक के पकाना है, अच्छे से नरम भी हो जाए। अब मैं इसमें डाल दिया दही, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दही का यूज़ किया है। आप लोग चाहे तो ओनली टमाटर से भी बना सकते हो। अच्छे से फ्राई होना है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मेरी घर का क्रीम, जो दूध का क्रीम है वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने घर का ही बना हुआ सीख कबाब यूज़ किया है। इसका वीडियो का लिंक जो है, पहले मैंने ये दिया हुआ था कैसे घर में सीख कबाब बना सकते हो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख लेना। थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया मैंने, थोड़ा सा काला मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चिकन मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। इन सबको अच्छे से मिला देना है। फ्रेंड्स, आप लोग अगर घर में भी सीख कबाब बनाना नहीं चाहते हो तो बाहर से खरीद के भी लाके उसको ऐसे फ्राई करके इसका ग्रेवी ऐसे बना सकते हो। 5 मिनट के लिए मैंने फिर से इसको ढक दिया, और 5 मिनट हो गया है। ये देखिए इसका लुक, ऑयल अलग हो रही है, इससे तो पता चल जाता है कि हमारा जो इसका मसाला है अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। ये देखिए मेरा घर का सीख कबाब भी एकदम बाहर की जैसा ही बना है, आपको देख के पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा जो ग्रीन ऑनियन है उसको भी कट करके रख दिया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अभी डाल दिया कसूरी मेथी, ये टेस्ट को इंक्रीज करती हैं। और 2-3 मिनट मैं इसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी। ये देखिए इसका लुक, ये मेरा फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, आप लोग भी जितना ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से पानी ऐड कर देना। तो इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी 5 मिनट के लिए, कि अच्छे से ये बॉयल हो जाए। अब 5 मिनट बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए ये अच्छे से बॉयल हो गई है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मेरा फ्राई किया हुआ सीख कबाब।
तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ औरों के साथ भी शेयर कर लेना। अब इसमें मैं ऊपर से दे रही हूँ जो ग्रीन ऑनियन है, कट के रखा था, ये मैंने ऊपर से दे रही हूँ। ये फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये कच्चा भी अच्छी लगती है, तो मैंने ऊपर से ये दे दिया। और जो सीख कबाब है ये एकदम एंड पे ही देना है, पहले नहीं देना होती है। तो ये देखिए, ये मेरा बन के रेडी है। मैंने गैस की फ्लेम अभी ऑफ कर दूंगी, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा गरम मसाला दे रही हूँ टेस्ट के लिए, और थोड़ा सा घी। ये किसी भी अगर रेसिपी हो उसका टेस्ट इंक्रीज करती है, तो लास्ट में घी और गरम मसाला देना बहुत ज़रूरी होती है। तो ये देखिए, ये मेरा बनके रेडी है, और मैं अभी इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये रोटी पराठा किसी के साथ भी आप लोग सर्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।